इतना नहीं है तो ये क्या है, आइए इसको थोड़ा बताता हूँ। और यही ये वीडियो है। सो वीडियो को देखने के लिए यार सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि इतनी नॉलेज दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं भी इसमें झंपड़ बता देता तो क्या ही हो जाती दुनिया। पर मेरा काम है आपको ओरिजिनल मतलब सही चीज़ बताना, जो नॉलेज एक्यूरेट है, ठीक है। तो सो अगर आपने अभी तक हमारे 4 दिन का रिव्यू या 4 दिन के डेली के वीडियो नहीं देखे, सो फेसबुक में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा एसर टेलीकॉम फेसबुक में, ठीक है। आइए बात, क्योंकि ऐसा गलत है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है। और इस कंपोनेंट को कभी भी कपलर या कॉयल नहीं माना गया है, ना ये कपलर है ना ये कॉयल है। सो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाँ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मेरा नाम है देवोत्तन अग्रवाल, और आज मैं इस दुनिया से, आज मैं दुनिया के टेक्नीशियन को एक सबसे बड़ा भ्रम आज खत्म करने चाहता हूँ। और ये जो टॉपिक है ना, सच बताओ ये टॉपिक आज मैं उठाता नहीं, पर आज हमारे जो क्लास के MD सर है ना, वो मेरे जो हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि सर लोगों को ये टॉपिक के बारे में बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे YouTube में ऐसे वीडियो देखे हैं। मैं तो दोस्तों सच बताओ देखता नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं उन्होंने YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि सर ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो कि सर इसमें ना लोगों को वो जंपड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि आप उठाइए और यहाँ से इस तरह से जंपड़ मार दीजिए। तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि काम होता है मोबाइल रिपेयरिंग में या टेक्निकली या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सर प्लीज़ ऐसा मत करें और ऐसा ना बताएं। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि ऐसा गलत है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है। और इस कंपोनेंट को कभी भी कपलर या कॉयल नहीं माना गया है, ना ये कपलर है ना ये कॉयल है। सो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ को आज दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो नॉलेज के तौर पर लाया हूँ, एक अपने इंस्टीट्यूट का पेड कॉन्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ यार। कोई नहीं बताएगा 90%, क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है, कोई नहीं बताएगा। एसर टेलीकॉम आपको खुल के बताएगा, क्यों? क्योंकि एसर टेलीकॉम के लिए ये नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास इससे भी बढ़कर इतना रखा हुआ है कि अगर आप इंस्टीट्यूट आएंगे तो आपको क्या नहीं दे देंगे। बट आपको हमें भी देना पड़ेगा 200 एक वादा कि सर मैं दिन रात मेहनत करूंगा तो हम आपको एडमिशन देंगे। 4 दिन का फुल बैकअप गारंटी, जिसमें आपको पूरा पैसा वापस लेके जाइए, और यही सारे कंपोनेंट को चेक करके जाइए, IC लगा के जाइए, भले वो पावर हो या CPU हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे 4 दिन का रिव्यू या 4 दिन के डेली के वीडियो नहीं देखे, सो फेसबुक में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा एसर टेलीकॉम फेसबुक में, ठीक है। आइए बात करते हैं। सो सर अब जब इसको कॉयल नहीं बोलते, इसको कपलर नहीं बोलते, तो इसको बोलते क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली इस कॉम्पोनेंट पर कभी जंपर नहीं लगता है। और अगर मैं बात करूँ, ये कॉम्पोनेंट एक कॉयल नहीं है, और कॉयल ऐसा दिखता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप इसमें ना एक छोटा सा मार्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मार्क देख रहे हो ना जनरली, तो कॉयल बेसिकली ऐसा दिखता नहीं है। तो ये क्या है, आइए इसको थोड़ा बताता हूँ, और यही ये वीडियो है। सो वीडियो को देखने के लिए यार सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि इतनी नॉलेज दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं भी इसमें जंपर बता देता तो क्या ही हो जाती दुनिया। पर मेरा काम है आपको ओरिजिनल मतलब सही चीज़ बताना, जो नॉलेज एक्यूरेट है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर टॉपिक लिखा है जंपर और रिप्लेस, क्या आप इसको जंपर मारें या रिप्लेस करें। एक्चुअल दोस्तों मैं आपको इसको समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसको क्या करना है, इसको जंपर मारना है कि रिप्लेस करना है। सो आप इसको सारी चीज़ समझिएगा। अब बाद में आ जाते हैं, अब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, फ़ोटोज़ बनाए हैं, कुछ PDFs के मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं ताकि आपको समझा सकूं। भाई स्मार्ट पैनल का कुछ तो फ़ायदा उठाऊंगा ना। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, ये कंपोनेंट आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गई फोटो नंबर 1। तो इसको पहले आप जल्दी से कैमरा निकालिए, खींच लीजिए। सो इस कंपोनेंट को दोस्तों आखिर बोलते क्या है। सो अगर मैं आपको बताऊं, इस कंपोनेंट को बोलते हैं, आप नोटिस करो, मैं यहाँ पर आपके लिए ये लेके आया हूँ फोटो। तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं डिप्लेक्सर। और अगर आप देखिए, सो बेसिकली ये डिप्लेक्सर नहीं है, डिप्लेक्सर तभी माना जाएगा
जब आप नोटिस करेंगे, जब आपको यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना मिले, यहाँ पर भी पॉइंट ना मिले, यहाँ पर भी पॉइंट ना मिले, पर अगर आपको यहाँ पर भी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब है इस कॉम्पोनेंट को हम कहते हैं RF टिप्लेक्सर। सो बेसिकली RF टिप्लेक्सर बोलते हैं इसको। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। एक RF सेक्शंस में लगाए जाने वाले, अभी RF सेक्शंस कोई से भी हो सकते हैं, ये वाईफाई के भी हो सकते हैं, ये आपके रेडियो के, आप ये आपके वाईफाई के हो सकते हैं, ये आपके सिम के हो सकते हैं, ये आपके NFC के हो सकते हैं, GPS के हो सकते हैं, ये किसी के भी सेक्शंस में लगे हो सकते हैं। सो बेसिकली इनका काम होता है टिप्लेक्सर। और दोस्तों टिप्लेक्सर में कभी भी, तो ये टिप्लेक्सर है, क्या इस पे कॉइल लिखा है? नहीं सर, ऐसा ऐसा प्लीज मत बोलिए। और ऐसा नॉलेज अगर स्टूडेंट को मिलेगा तो क्या ही वो सीखेंगे। और दोस्तों यही 5-10-20 हज़ार वाले लोग आपको क्या सिखाएंगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। और आप लोग भी क्या होते हैं, सस्ते में कोचिंग जाते हैं, सस्ते में इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो यही होगा। फिर वो यही चीज़ बोलेंगे कि मार दो जंपर, और आप मार देंगे और बन जाएगा मोबाइल आपका। खैर दोस्तों, ये जंपर इसमें नहीं पड़ेगा। सो अगर मैं इसको करेक्ट करूँ, इसको टिप्लेक्सर बुलाया जाता है, और अगर जिसमें ये पॉइंट ना हो बीच वाले, इसको डिप्लेक्सर बुलाया जाता है। तो डिप्लेक्सर एंड टिप्लेक्सर। सो एक फोटो ये खींच लीजिए। अब बात करते हैं कि ये करते क्या है। अगर मैं बात करूं तो ये करते क्या है, नोटिस कीजिए दोस्तों। पहले चीज़ मैं आपको बताता हूं कि लगा कहां होता है। अगर मैं आपको इसको ये बताऊं, ये देखिए, तो यहां पर एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है, ये जो फ़ोन है, अगर इस फ़ोन की बात करेंगे, ये रेडमी का नोट 8 है, और ये इसका वाईफाई सेक्शन है। तो आप नोटिस करो, ये इसका वाईफाई है और ये इसकी वाईफाई आईसी है रेडमी नोट 8 की। तो ये वाईफाई सेक्शन में लगा हुआ है, और ये वाईफाई प्लस, अगर मैं बात करूँ, GPS आईसी भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर अगर वाईफाई प्लस, इसको ब्लूटूथ आईसी भी बोल सकते हैं। तो ये पैकेज में आती है, और ये देखो ये यहाँ लगा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ ऐसा जंपर मारना, तो बिल्कुल भी नहीं, गलत बात, ऐसा जंपर मारना नहीं, और ना ही ऐसा ऐसी बातें करना, ना ही ऐसा नॉलेज लोगों को देना। दोस्तों ये है ना टिप्लेक्सर है, टिप्लेक्सर मतलब आप समझते हैं। आप एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक ऐसा मकान जिसके अंदर एक गेट हो, मतलब जो हमारे घर के बाहर का मेन गेट हो, बड़ा सा, जिसमें सब लोग जाते हैं, और अब मान लीजिए हम लोग सब आ गए, अब उसके अंदर तीन कमरे हैं, मतलब एक एंट्री तो एक हुई, पर तीन कमरों में अलग अलग तीन लोग चले गए, तो उसको कहते हैं टिप्लेक्सर। मतलब जिससे एक सिग्नल से तीन सिग्नल को डिवाइड करना, एक सिग्नल भेजना और उसको कितने में डिवाइड कर देना, तीन अलग अलग जगह पे डिवाइड करना, उसको कहते हैं टिप्लेक्सर। और ये अगर दो अलग अलग जगहों पे डिवाइड करेंगे तो उसको कहते हैं डिप्लेक्सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे नेटवर्क सेक्शन में या हमारे RF सेक्शन में तीन बैंड होते हैं, लो बैंड, हाई बैंड और मिड बैंड। सो आप नोटिस करो, एक कॉमन एंटीना है और वो आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है, वो तीनों को अलग अलग भेज रहा है, हाई बैंड को अलग भेज रहा है, मिड बैंड को अलग भेज रहा है और लो बैंड को अलग भेज रहा है। तो आइए समझते हैं इसको। तो पहले एक फोटो और इसके ये खींच लेना। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसको भी अलग कर देते हैं, मैंने आपको ये सेक्शन भी बता दिया, ठीक है। अब इसका पहले बताते हैं कि सर्किट में बेसिकली इसको किस नाम से डिनोट किया गया है, मतलब किस नाम से इसको डिनोट मतलब शो किया गया है। सो अगर स्कीमेटिक की बात करेंगे तो इसको FL के नाम से डाला गया है, FL। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आई होप कि आपको दिखाई दे। ये देखो, ये यहां लगा हुआ है, ये नोटिस कर रहे हैं, यहां पर यही वाला कंपोनेंट, ये देखो यहां लगा हुआ है और इसको FL से डिनोट किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस अभी मोबाइल ट्रेनिंग चलाते हो या आप मोबाइल ट्रेनिंग में सीखने जाते हो, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ अगर इसी तरह से टीचिंग अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट में नहीं दी जा रही है, तो समझ लो कि वो एक रॉन्ग कॉल है और वो आपको उठाना नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको भी एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, आपका अपने टीचर का, अपने उसकी नॉलेज का, तब जाके आप उसको पैसा देना, अदरवाइज नहीं तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। सो अगर मैं बात करूँगा, ये होता है FL, जिसको हम टिप्लेक्सर बोलते हैं। आइए इस पर और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और किस तरह से सिंबल होता है। सो मैं चलो ये भी बताता हूँ, इसको भी किनारे करते हैं, अब इसको बीच में लाते हैं। अब नोटिस करो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर की कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं शुरू कहाँ से वो बताता हूँ। आप देखो ये टिप्लेक्सर है, जैसे क्या मैंने बोला, अब नोटिस करना, जैसे मैंने बोला कि एक इन हो रहा है और ये एंटीना होता है दोस्तों, ये सिरा जो एंटीना से आ रहा है, ये एंटीना इन हो रहा है, मतलब एक घर का गेट जिसमें सब लोग घुस रहे हैं,
बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है, सिर्फ 3 लोगों को गेट पास दे रहा है, सिर्फ 3 लोगों को, और बाकी सब लोगों को कह रहा है भैया बाकी सब लोग क्या हो जाओ, ग्राउंड हो जाओ, बाकी सब क्या हो जाओ, ग्राउंड हो जाओ, बाकी सब मतलब चलो निकलो साइड से निकलते जाओ, वापस भेज दे रहा है, ग्राउंड कर दे रहा है, ग्राउंड कर दे रहा है। सिर्फ वो 3 ही लोगों को एंट्री देगा और 3 अलग अलग गेट पास देगा, मतलब उसके अंदर 3 कमरे हैं। एक कमरा अगर मैं बात करूंगा यहां पर, ये देखिए मिड बैंड, एक कमरा अगर मैं बात करूंगा ये है हाई बैंड, और एक कमरा अगर मैं बात करूंगा ये है लो बैंड। सो देखिए, एक इन है और 3 आउट है, एक इन 3 आउट, एक इन 3 आउट, दैट मीन इसको कहते हैं ट्रिप्लेक्सर। अब यही पर अगर मान लो मिड और हाई होते और एक होता तो ये होता है डुप्लेक्सर। सो बेसिकली इसलिए इस पर कभी भी जंपर नहीं मार सकते। आप कैसे मारेंगे, 2 से इस पर, 2 से इस पर, 2 से इस पर। अगर दोस्तों ऐसा जंपर मारेंगे तो आपका फिर वो डिप्लेक्सर लगाने का मतलब ही क्या हुआ, आप एक हाई बैंड में मिड भी डाल रहे हो, लो भी डाल रहे हो। सो दोस्तों इस पे कभी भी जंपर नहीं मारते हैं, इसको ऑलवेज चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, चेंज, जल्दी से बोलो क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। सो अगर मैं बात करूं, आप आई होप कि समझ गए होंगे कि ये डिप्लेक्सर है और ये क्या काम करता है। आइए इसके सर्किट को थोड़ा सा और दिखाता हूं, और ये देखिए यहां पर मैंने इसके सर्किट को बताया हुआ है, नोटिस करना। ये देखो अगर मैं इसके सर्किट को थोड़ा सा और बताऊं, ये देखिए, और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि लोगों को थोड़ा भी नॉलेज अपना पेड लगता है, एशिया टेलीकॉम को इतना नॉलेज कचरा लगता है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा नॉलेज तो आप हमको है ना, हम एक दिन में दे देते हैं, आप बिलीव नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए हमारे पास, 4 दिन का फुल पैसा वसूल, आप अपना पूरी गारंटी के साथ आइए, आपका पैसा मेरे पास सिक्योर रहेगा। समझ में आ रहा है मेरे को, आप 4 दिन बाद बोलेंगे ना नहीं सर ऐसा आपने तो YouTube में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी हमको ऐसा नहीं लगा, आप पूरी फीस लिए चले जाइएगा, बट आप एक बार आइएगा और कसम से किस्मत ना बदले तो मेरा नाम नहीं, मेरा नाम देवर्धन अग्रवाल नहीं, ये बात दिमाग में ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों एक बार जरूर मौका दीजिए इस टेलीकॉम को, ज्वाइन कीजिए, नंबर आपके नीचे है, बुकिंग चालू है। सो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए GPR 2G 5G एंटीना है, और ये नोटिस करो ये आपके एंटीनाज हैं, ये नोटिस करो ये आपके एंटीनाज, ये नोटिस करो दोस्तों ये आपके एंटीना हैं, और ये एंटीना के बाद में एक एंटीना सॉकेट और लगाया गया है, और ये जैसे एंटीना सॉकेट जो होता है वो लगाया गया है, और इस एंटीना सॉकेट के बाद में ये देखिए इसके अंदर जाके एंटीना इन होता है। अब एंटीना इन जो हो रहा है वो 3 सप्लाइयों के साथ हो रहा है, एक आपका हाई बैंड, एक आपका लो बैंड, और एक आपका मिड बैंड, और उसके साथ कुछ अगर हम बात करें अनवांटेड फ्रिक्वेंसी। सो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कहाँ जा रही है, वो ग्राउंड हो जा रही है, और हाई बैंड अपना हाई बैंड पे जा रहा है, लो बैंड अपना लो बैंड पे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 3 आउटपुट दिए गए हैं, इसलिए हम इसको जंपर नहीं मार सकते हैं। और ये बताने के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं बाहर के, वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसा दिखा रहे हैं तो क्या वाकई ये है। मैंने बोला चलो मैं आपको एक एक को क्या ही बताऊं, तो एक वीडियो बना देता हूं। सो आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो से फ़ायदा मिले, किन किन को फ़ायदा मिला और किन किन को अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आगे आपको और लर्निंग मिल सके, और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ताकि आपका भविष्य बन सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 वाई वन है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।